आज के समय में जिस तरह से परिवहन माफिया सक्रिय है और जिस तरह से आरटीओ द्वारा हर रोज मोटर मालक तथा ड्राइवरों से अवैध वसूली करती नजर आ रही है, उसे रोकने की सख्त आवश्यकता है। सरकार किसी भी पार्टी की हो, अधिकारियों ने अपना गांव, शहर, राज्य, देश साफ रखना चाहिए। ऐसे जवाब भ्रष्ट नेता तथा अधिकारियों को ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल ने बैठक में दिया। नागपुर में परिवहन विभाग का सबसे बड़ा कार्यालय है, जहां से शक्तिशाली परिवहन माफिया का होता है संचालन। आरटीओ चेक पोस्ट के नाम से जिसका खुलासा खुद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता ने किए और खुद कर रहे धरना प्रदर्शन, राहुल गांधी के पोस्टर के साथ मैं फिर भी नहीं रुक रहा परिवहन माफिया, नेशनल हाईवे पर सभी आरटीओ चेक पोस्ट पर, उससे लाखों लोगों को रोजगार खत्म हो गया है जो सड़क के माध्यम से राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं। सभी प्रकार के ट्रक चालक मालिक एक तरफ डीजल की मार, दूसरी तरफ परिवहन माफिया जो करते हैं रात दिन खुलेआम घूम कर अवैध रूप से वसूली कर रहे। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा ने सभी प्रकार के ट्रांसपोर्ट संगठन से मिलकर कार्य का अनुरोध किया कि इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने का फर्ज और कर्तव्य बनता है। संगठन सभी प्रदेश के परिवहन आयुक्त एवं प्रादेशिक अधिकारी और आरटीओ चेक पोस्ट प्रभारी निरीक्षक अधिकारी से भी निवेदन है कि आप सभी स्वच्छ भारत स्वच्छ परिवहन में अपनी अहम भूमिका अदा करने की कृपा करें। ऐसे आह्वान भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के अध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने किया। जिस तरह से भारत एक संविधान एक कानून व्यवस्था है, तो अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, ऐसी अग्रवाल की मांग है। भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा और ज्वाइंट एक्शन कमेटी राहुल गांधी से मांग करती है कि आपकी जहां पर सरकार है वहां आरटीओ चेक पोस्ट तत्काल प्रभाव से खत्म करने का आदेश जारी करे, जिससे प्रदेश सरकार को इस तरह से बदनाम न होना पड़े और सभी प्रकार के वाहन चालक भयमुक्त अपना सफर तय कर सके, जिससे सड़क मार्ग पर हादसे भी कम होंगे। यही मांग केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी है। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सभी प्रकार के आरटीओ चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से खत्म करें, खासकर मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की सरकार है। इस बैठक के दौरान ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा, सी के चौबे, महेंद्र जैन, बालचंद्र शुक्ला, कल्पना लोखंडे, संघर्ष लोखंडे, राकेश अग्रवाल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। कि केंद्रीय परिवहन मंत्री भारत सरकार का यहाँ पर रहना नागपुर शहर में और महाराष्ट्र राज्य के दो ताकतवर मंत्री भी नागपुर शहर से ही हैं, इन सभी के नज़रों में इतना बड़ा परिवहन भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, परिवहन माफिया फैला हुआ है, जो खुद मध्य भारत नागपुर से संचालित होता है परिवहन विभाग के अधिकारी से, अधिकारी द्वारा ये परिवहन माफिया का जो संचालन किया जा रहा है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका एक अंग है यूथ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के एक पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता पदाधिकारी, राष्ट्रीय लेवल का नेता, उन्होंने खुद पर्दाफाश किया मंसर आरटीओ चेक पोस्ट में जाकर कि किस तरह से गाड़ी वालों से अवैध तरह से वसूली की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। आज उसी सिलसिले में उनका हर चेक पोस्टों में धरना प्रदर्शन नागपुर जिले के अंतर्गत हो रहा है। जो दो नंबर का पैसा लेते हो वो सरकार तक रिपोर्ट पहुंचाने की कोशिश करें। और मेरी सरकार से अपील है कि सबसे बड़ा क्राइम जो चेक पोस्टों पर हो रहा है उसको उन्होंने कैसे बंद करना है। अगर ये बंद नहीं किया गया तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को ये समझ लीजिए कि ग्रहण लग गया है, और वो आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लगा है। ऐसा तो अंग्रेज़ों के समय में भी नहीं था। तो हम सब भाइयों को जाग के, जो चेक पोस्ट पे इतने हल्ले होते हैं, इतना पैसा सरकारी ऑफिसरों के घर से निकलता है, फिर भी हमारे अच्छे नेता जो अपने आप को बोलते हैं कि हम देश सेवा करते हैं, वो क्यों नहीं अपने आप को जागरूक करते, वो मैदान में आए और जो पैसा गरीब प्रजा से उघराता है, गरीब आदमियों का निचोड़ करता है, उसको ऐसा सबक सिखाएं कि वो क्या उसकी आने वाली पीढ़ी भी दोबारा ऐसा सोच भी नहीं सके कि भाई मेरे को दो नंबर का पैसा ले जाके उसका खाना अपने बच्चों को खिलाना है। जबकि हमारा ट्रक का पहिया घूमता है तो देश की उन्नति में हमेशा रातों दिन सहयोग करता है, ट्रक मालक ड्राइवर सब लगे हुए हैं, उसके बावजूद अवैध वसूली किए बगैर गाड़ी को हिलने नहीं देते हैं। चाहे वो एमपी का चेक पोस्ट हो, महाराष्ट्र का चेक पोस्ट हो, राजस्थान का चेक पोस्ट हो या छत्तीसगढ़ का, हर जगह प्रत्येक गाड़ी से 1000 से 1500 रुपये की मांग की जाती है। रात में हमें 200 फोन आते ड्राइवरों में, कभी 1000 मांगेंगे, कभी 1200, कभी 1500।
तो नहीं देने पर ड्राइवरों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस की हो, कोई पीछे नहीं है दूध कसोट में। इसलिए जो सरकार हम लोगों का साथ देगी, हम उनके साथ में हैं। और ये जो लूट हो रही है, इसको कृपया कर अवगत करा। बीसीएन न्यूज़ के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट।